Good morning, students. Now today this is the fifth session in the chapter coordination compound. And what are the objectives for the today's session? Today we are going to learn about the bonding in coordination compound. And already we have studied about the valence bond theory. And the today's main objective we are going to study about crystal field theory. इसके बारे में आज हम लोगों को बच्चों पढ़ना है. इसके अलावा भी दो थ्योरी है, लिगेंड फील्ड थ्योरी इज देयर एंड मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इज देयर, बट दीज टू आर नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस. सो टुडेज द मेन टॉपिक दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. सो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बच्चों क्या कहता है, और इस थ्योरी को सबसे पहले इसको डेवलप किया गया दो फिजिसिस्ट के द्वारा, हैंस वेथे एंड जोहान हैसब्रुक वॉन ब्लेक इन 1930 में इसको किया गया था. और इस थ्योरी में जो विशेष रूप से बात बताई गई वो बताई गई ब्रेकिंग ऑफ डीजेनरेसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल. देखिए जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उसके डीजेनरेसी यानी उनकी एनर्जी इक्विवेलेंट है, दे ऑल फाइव ऑर्बिटल्स आर हैविंग इक्वल एनर्जी लेवल, तो उसकी डीजेनरेसी ब्रेक डाउन होती है, वो इस थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट है. और इस थ्योरी के जो दो मेन एजम्पशंस हैं जिसमें दो मेन बातों को एज्यूम किया गया, वो ये कहा गया कि देयर इज इंटरैक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड. मेटल आयन एंड लिगेंड के बीच में इंटरैक्शन होगा, ठीक है ना. तो मेटल आयन और लिगेंड के बीच में जो इंटरैक्शन होता है वो कम्प्लीटली क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है. और दूसरी बात, लिगेंड आर ट्रीटेड एज नेगेटिव पॉइंट चार्जेस इन केस ऑफ एनायंस और डाइपोल इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. ओके, यानी कि एक तरीके से इस थ्योरी में ये मान लिया गया है कि मेटल आयन और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा, और दूसरी बात कि लिगेंड को हम नेगेटिव पॉइंट चार्ज मान के चलेंगे, ठीक है ना, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो तो डाइपोल मानकर चलते हैं. ओके, और उसके बाद ये कहा गया कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जो डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इज मेंटेन इफ अ स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज सराउंड द मेटल एटम, कि अगर उसके चारों तरफ जो आपको नेगेटिव चार्ज क्लाउड है अगर वो स्फेरिकल और सिमेट्रिकल है, ठीक है ना, सिमेट्रिकल है, तभी वो जाकर उसकी डीजेनरेसी मेंटेन्ड है, अदरवाइज उसकी डीजेनरेसी जो है वो समाप्त होगी. जो फाइव इक्विवेलेंट एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होंगे, स्प्लिट अप होंगे. तो बहुत सारे एजम्पशंस इसमें दिए गए. सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशंस क्या है उसको मैं आपको समझा दूँ. सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशंस है, नाउ लुक एट हियर, कि दीज आर द फाइव डी ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. ये जो फाइव डी ऑर्बिटल्स हैं इनका नाम क्या होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स टू वाई टू और फाइनली डी जेड टू. ये डीजेनरेटेड हैं. अब ये जो फाइव डी ऑर्बिटल्स है जिसको आप डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स कह रहे हो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये कहा गया कि जब लिगेंड अप्रोच करता है इनके पास आता है तो इसकी डीजेनरेसी लॉस्ट हो जाती है, वो ये पांच डी ऑर्बिटल्स टू डिफरेंट सेट में स्प्लिट अप हो जाएंगे. ओके, तो अपने को ये पढ़ना है कि अब ये स्प्लिटिंग जो होती है वो कैसे होती है, तो उसका पैटर्न क्या है, स्प्लिटिंग का जो पैटर्न है वो किस पे डिपेंड करेगा वो हमें देखना है, ठीक है ना. और यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है मेटल कैटायन के पास उस इलेक्ट्रॉन के बीच में, और जो लिगेंड जो है जो निगेटिवली चार्ज्ड है या न्यूट्रल है जो लोन पर इलेक्ट्रॉन देने आ रहा है, उन दोनों के बीच में किस तरह से रिपल्सिव फोर्स एक्टिवेट होता है. तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ देखिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया क्या, देयर विल बी सिक्स लिगेंड. आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा ही है कि भाई ऑक्टाहेड्रल तब ज्योमेट्री आती है जब वहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड सिक्स हो. तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होगा, सबसे पहला होगा कि हमें डी ऑर्बिटल के शेप को देखना है, फिर ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड देखना है, और ये देखना है कि जो लिगेंड का अप्रोचिंग डायरेक्शन है वो बच्चों किधर है, और जो ये फाइव डी ऑर्बिटल्स हैं वो जब स्प्लिट अप होंगे
तो जब स्प्लिटिंग होती है तो आपके पास टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स बनता है, एक को हम ई जी बोलते हैं, देखो जी सब स्क्रिप्ट में है, एक को टी टू जी बोलते हैं। ओके तो ये कैसे होता है जरा यहाँ ध्यान से देखो बच्चों। सबसे पहली बात इसको समझने के लिए, आपके पास 5d ऑर्बिटल्स है तो उसमें जो 5d ऑर्बिटल्स हैं उसके जरा ओरिएंटेशन को आप ध्यान से देखिए। ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से होता है, जो dxy होता है वो लोब इस तरीके से xy, यानी कि उसके जो लोब्स होंगे डबल डम्बल के वो इन बिटवीन द एक्सिस होंगे, इसको बोलते हैं dxy। जो dyz होगा उसके लोब्स कुछ इस तरीके से होंगे, यानी ये वाई हो गया ये जेड हो गया dyz। थर्ड है dzx, इसके जो लोब होंगे इस तरीके से होंगे। दीज थ्री ऑर्बिटल्स को, ये जो तीन ऑर्बिटल आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं T2G सेट। जी और T2G स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है। इसको एक सेट इसलिए माना गया क्योंकि दीज थ्री ऑर्बिटल्स हैविंग लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस। नेक्स्ट जो टू ऑर्बिटल्स हैं dx2y2, दिस इज x2y2, और दूसरा है dz2, एक स्फेरिकल रिंग होता है, दिस इज कॉल्ड dz2। ये जो दो सेट है इसको कहा गया ईजी। यहाँ याद रखो बच्चों, जब आपका ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड होगा, ऑक्टाहेड्रल में ये नेमिंग आएगी, ऑक्टाहेड्रल होगा तो इसको T2Z कहोगे, और मैं लेफ्ट में लिख रहा हूँ, जब टेट्राहेड्रल होगा फील्ड तो इसको सिर्फ आप सिंपली T2 कहोगे, इसको सिर्फ सिंपली E कहोगे, जी सब स्क्रिप्ट हटा देना। अब क्या कहता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वो आप समझने की कोशिश करो। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को अगर आप समझने की कोशिश करिए तो ज़रा यहाँ देखिए, यहाँ पर देखो जो लिगेंड है इस लिगेंड का अप्रोच किधर से हो रहा है, इन बिटवीन द एक्सिस, ठीक है ना। तो जब लिगेंड का अप्रोच आपका अलोंग द एक्सिस होगा कि आप ये देखोगे कि इन बिटवीन द एक्सिस हो रहा है, उसके ऊपर आप ध्यान से देखो। देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है। तो इसका मतलब है लिगेंड इज अप्रोचिंग अलोंग द एक्सिस, नॉट इन बिटवीन द एक्सिस। जो लिगेंड का अप्रोच है वो किधर से है, अलोंग द एक्सिस है। तो जब लिगेंड का अप्रोच अलोंग द एक्सिस होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो तीन ऑर्बिटल का सेट आप देख रहे हो ऊपर में, जिसको आप T2Z बोल रहे हो, ठीक है ना, ये तो इन बिटवीन द एक्सिस है। अलोंग द एक्सिस कौन है, EG सेट वाले हैं। तो ये जो दो ऑर्बिटल है इसके की तरफ, इसकी तरफ से आपको लिगेंड अप्रोच कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है वो यहाँ पर ज़्यादा होगा फॉर EG सेट, और T2Z के लिए कम महसूस होगा क्योंकि लिगेंड का अप्रोच तो इसके डायरेक्शन में है। तो ऑब्वियसली इस सेट की एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी और T2Z की घट जाएगी, यानी कि आपका जो डीजनरेटेड ऑर्बिटल है उसको आप ऐसे कहोगे, ये आपके 5D जनरेटेड ऑर्बिटल्स हो गए माई डियर स्टूडेंट्स। नाउ इस 5D ऑर्बिटल्स की एनर्जी थोड़ी सी पहले बढ़ा दो, थोड़ी सी एनर्जी लेवल बढ़ गई, उसके बाद यहाँ से ये आपको हो गया डी ऑर्बिटल्स, और ये डी ऑर्बिटल्स कैसे हैं, डी जनरेटेड। अब इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड इनकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई, और फाइनली ये यहाँ से स्प्लिट अप हो गया टू डिफरेंट सेट्स में, थ्री सेट्स। ये जो थ्री सेट्स है इनको आप कहोगे T2Z, और जो ऊपर में दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है दिस इज कॉल्ड EZ। और ये देखो यहाँ से एनर्जी गैप अगर देखा जाए तो ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ गई, नीचे में घट गई। इस एनर्जी गैप को, जो डिफरेंस यहाँ पर आप देख रहे हो, ये इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और ये जो एनर्जी गैप आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड डेल्टा ओ। डेल्टा ओ का मतलब है
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पर डेल्टा साइन के नीचे जब ओ लिखा जाता है, ओ इन द सब स्क्रिप्ट फॉर ऑक्टाहेड्रल, और जब आप टी लिखोगे डेल्टा टी तो टी फॉर टेट्राहेड्रल। तो सबसे अच्छी बात और समझने वाली बात क्या है कि डी ऑर्बिटल की जो डिजेनरेसी थी वो इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड स्प्लिट हो गई। अब आप याद रखो कि ऑक्टाहेड्रल के केस में जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स है, इनकी एनर्जी लेवल कम हो जाती है, और जो डी एक्स टू वाई टू और डी एक्स टू वाई टू और डी जो जेड टू है, इनकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। तो इसलिए नॉर्मल लाइन्स इसको ऊपर और इसको नीचे दिखाया। यहाँ जो एनर्जी गैप है दैट इज़ कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब देखो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो स्प्लिटिंग हुई वो स्प्लिटिंग किस तरीके से आपको काम करता है, आगे देखिए। यहाँ पर आप ये सारी बातें लिखी गई हैं जो मैंने आपको अभी तक समझाई कैसे लोब्स के अंदर होते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, डिफरेंस जो डिजेनरेसी थी उसका लॉस होना, 5d ऑर्बिटल्स का उसके दो सेट में स्प्लिटअप हो जाना। नाउ लुक एट हियर, यहाँ देखो डी जेड टू, डी एक्स टू वाई टू, जो लिगेंड का अप्रोच है वो किधर से, ये लिगेंड का अप्रोच हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक्स टू वाई टू में अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, अलॉन्ग द वाई एक्सिस आपको अप्रोच हो रहा है। जब अलॉन्ग द एक्सिस ही आ रहा है, यहाँ देखो लोब कहाँ पर है, ये लोब है, लिगेंड का ये अप्रोच हो रहा है डी एक्स वाई में, देखिए। तो यहाँ पे जो इन बिटवीन द एक्सिस है उनके अलॉन्ग तो आपको अप्रोच लिगेंड का हो नहीं रहा है। तो इस तरीके से आपको ये स्प्लिटिंग देखो, ये ई जी सेट है, ये टी टू जी सेट है, और ये जो नीचे की तरफ एनर्जी लेवल हुआ 0.4 डेल्टा ओ हो गया, यहाँ पर 0. इसकी एनर्जी लेवल 0.6 डेल्टा की ओ बढ़ जाती है, लेकिन ये जो कंप्लीट होता है इसको डेल्टा ओ, दिस इज व्हाट, दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसी के बेसिस पर लिगेंड को, कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो इस एनर्जी गैप को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, किस कुछ लिगेंड के पास ये एनर्जी गैप प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी कम होती है, तो हम दो तरह से लिगेंड को डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं एक लिगेंड होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड, दूसरा लिगेंड होता है वीक फील्ड। तो जो एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हुआ उसको क्या कहोगे आप, डेल्टा सबस्क्रिप्ट, वो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल के लिए है। दो तरह के लिगेंड होते हैं जो हमने प्रीवियस सेशन में भी आपको बताया था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड किसको बोलोगे बच्चों, जो लिगेंड आपको लार्ज डिग्री ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कराए। वीक फील्ड किसको बोलोगे, जो आपको स्मॉल डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग कराए। तो जब मान लो कि अगर ये स्प्लिटिंग हो गया और ये स्प्लिटिंग कराते वक्त ये एनर्जी गैप ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो पाएगी। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि किस लिगेंड की टेंडेंसी स्प्लिटिंग की ज़्यादा है, किसकी टेंडेंसी कम है, और उसके बेसिस पर उसको एक सीक्वेंस में अरेंज किया गया। जो अरेंजमेंट दी गई सीक्वेंस में, सीरीज में, इन ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज। और उसके बेसिस पर आप देखो कार्बोनिल, साइनाइड, दीज आर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहने का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर आपको स्प्लिटिंग के बाद ये जो दो सेट बनता है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो ये गैप ज़्यादा हो जाएगा। गैप ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, अब इसको आप जरा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। गैप ज़्यादा होने का मतलब हो गया, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ डी फोर आयन के लिए। तो जनरली डी फोर आयन के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों करोगे तो कैसे करोगे, 1, 2, 3, 4, 5 पांच ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। दिस इज़ द डी फोर आयन कंडीशन इन मेटल आयन। मान लो ये एम प्लस फोर या एम एन प्लस आयन के लिए डी फोर आयन है। अब इन थोड़ी सी एनर्जी इनकी बढ़ गई जब लिगेंड इसकी तरफ अप्रोच करने लगा, तब तक तो ठीक कंडीशन था जब लिगेंड अप्रोच कर रहा था, लेकिन अब फाइनली ये दो सेट में स्प्लिट अप हो गया। एक दो सेट में टू ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई हो गई और तीन की लो हो गई। ये आपने पढ़ा अभी कि 0.6 डेल्टा है और ये 0.4
फोर डेल्टा है। अगर स्ट्रांग लिगेंड हुआ तो ये तो गैप, स्ट्रांग लिगेंड होने पर क्या होगा, ये जो गैप है ये तो ज़्यादा हो गया। तो ये जो फोर इलेक्ट्रॉन्स है, ये पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा, दूसरा यहाँ भरा, तीसरा भरा, अब चौथे के लिए अपने को सोचना है। देखो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और दूसरा है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी का मतलब है किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को आपको पेयर करना है। तो यहाँ देखिए आपका डेल्टा ओ और पेयरिंग एनर्जी को कंपेयर करो। अगर डेल्टा ओ, बच्चों देखो डेल्टा ओ की वैल्यू ठीक है ना ज़्यादा होगी, यानी डेल्टा ओ की वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मतलब ये एनर्जी गैप आपको ज़्यादा हो गया, और डेल्टा ओ की वैल्यू कम हो गई यानी कि ये एनर्जी गैप कम हो गया। जब डेल्टा ओ की वैल्यू कम होगी यानी कि ये एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की एनर्जी ये गैप कम होगा, ये एनर्जी कम होगी, तो ऑब्वियसली जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो इसमें चला जाएगा। लेकिन अगर ये गैप ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जा नहीं पाएगा, वो इलेक्ट्रॉन आपको नीचे ही रहेगा। तो इसलिए दो सिचुएशन है, जब ये ज़्यादा हुआ तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, T2Z इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होगी और EZ में 0 होगी, और यहाँ पर अगर कम हुआ तो T2Z में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होगी और EZ में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी। ये कंडीशन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है बच्चों, ये D4 आयन के लिए, किसी अदर आयन्स के लिए, और ये कंडीशन 1 और 2 आपको दिया हुआ रहेगा। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और पेयरिंग एनर्जी के बीच में आपको कंपेयर करना है। याद रखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन को आप ईजी सेट में नहीं भेजेंगे, और जो आपने पढ़ा है ना डीडी ट्रांजिशन, एक्चुअली में डीडी ट्रांजिशन क्या होता है, यही तो है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब अगर मान लो विजिबल रेडिएशन से एनर्जी मिले तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप लगाकर यानी T2G सेट से जंप लगाकर ईजी में चला जाएगा, तो इसी को तो डीडी ट्रांजिशन, एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जंप लगा के जाना कहते हैं। तो ये बात हो गई वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देते हैं, डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, और जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा उस केस में तो उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले कर ली थी। ये देखिए जो दो बात हमने आपको बताई, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आपको कम हो और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आपको ज़्यादा हो, तो दोनों कम होगा ठीक है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ठीक है, यानी यहाँ पर लिगेंड फॉर विच क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम है तो इलेक्ट्रॉन आपको क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ठीक है। और अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आपको ज़्यादा हो गई तो आपको ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये आपको दो चीज़ें याद रखनी होगी, और अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम है तो उसको वीक फील्ड लिगेंड बोलते हैं, और अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा है तो उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है ठीक है। टेट्राहेड्रल केस की बात अगर बच्चों करोगे तो बस कुछ ज़्यादा नहीं है, T2Z ऊपर चला जाता है, EZ नीचे आ जाता है, लिखने का तरीका चेंज कर लेना, T2G हटा देना और EZ से EG हटा देना, एनर्जी गैप आपको रिवर्स हो जाएगा, यानी ऊपर में हो जाएगा 0.4 डेल्टा, नीचे में हो जाएगा 0.6 डेल्टा, और कोई चेंजेस नहीं है। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल फील्ड में जो लिगेंड का अप्रोच होता है वो इन बिटवीन द एक्सिस के थ्रू होता है, बाकी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में दोनों में सेम सिचुएशन है। आप देख लीजिए यहाँ पर टेट्राहेड्रल फील्ड का ये सिचुएशन है, T2 ये लिखा गया है 3/5 डेल्टा T, यहाँ पर डेल्टा O ना लिख के हम डेल्टा T लिखते हैं, T फॉर टेट्राहेड्रल। इस तरीके से स्प्लिटिंग आप दिखाएंगे क्रिस्टल फील्ड फॉर टेट्राहेड्रल, इज इट क्लियर? नाउ देर आर सम क्वेश्चन यू हैव टू डू दिस, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो मुझे आशा है कि आपको क्रिस्टल फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्रिस्टल फील्ड में बच्चों इतना ही याद रखना कि यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल्स है उसकी डीजेनरेसी लॉस होगी, वो स्प्लिट करेगा दो डिफरेंट सेट्स में, T2Z और EZ, ये नाम हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए यूज करेंगे, और T2 और E यूज करेंगे टेट्राहेड्रल के लिए। T2G सेट जो होता है ऑक्टाहेड्रल में नीचे होता है, उसकी एनर्जी कम होती है, EZ की ज़्यादा होती है, टेट्राहेड्रल फील्ड में इसका रिवर्स होता है। और आपको पेयरिंग एनर्जी से रिलेटेड एक चीज़ ध्यान देना होगा कि अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G के बाद EZ में पहले जाएगा, उसकी पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम है, इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर जा सकता है।
ओके, तो होपिंग दैट ऑल द कॉन्सेप्ट इज गॉट क्लियर. नाउ देयर इज वन लास्ट टॉपिक वी विल डिस्कस. सो वंस अगेन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.